वहीं देश के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में प्रवेश के लिए आयोजित परीक्षा जेईई मेंस में दंतेवाड़ा के 18 छात्रों ने पास कर लिए। जेईई परीक्षा क्लियर करने वाली छात्राओं की कहानी बेहद संघर्षभरी है। तमाम चुनौतियों के बीच छात्राओं ने प्राथमिक स्तर की पढ़ाई की। बच्चे गरीब परिवार के हैं और माता पिता खेती मजदूरी करते हैं। दंतेवाड़ा विकास के लिए मोहताज है और यहाँ पर माओवादियों का भी आतंक है। छात्राओं का कहना है कि इसके लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए संस्थानों और स्कूलों का फायदा उनको मिला है। और मैं छठवीं से दंतेवाड़ा जिला में पढ़ रही हूँ और बहुत अच्छा पढ़ाई होता है यहाँ पे। आपने जेईई की एग्जाम पास करी है, कैसा अनुभव है और कैसा लग रहा है अब आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे शुरुआत में अच्छा पढ़ाई कराते हैं कि मेरा नाम गायत्री ध्रुव है और मैं 2 साल से चुलासन में पढ़ती हूँ। और क्या मेरा सपना था जेईई मेंस के एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, और क्वालिफाई हो गया तो खुशी हो रहा है। और अभी कुछ दिन के बाद एडवांस के एग्ज़ाम है तो उसके लिए टेंशन है। IIT जेईई का जो प्री हुआ था, जो एडवांस मेंस एडवांस का रिजल्ट था, उसमें कुल जिले से 52 बच्चों ने एग्ज़ाम लिखा था। 2 संस्था चल रही हैं, एक बालकों की संस्था चल रही है, एक बालिकाओं की संस्था चल रही है। उनमें से वर्तमान में 15 बच्चे पास हुए हैं। इसके अतिरिक्त जो 3 बच्चे हमारे NIT में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उन्होंने भी दोबारा से IIT का एग्ज़ाम निकाला है और अच्छी रैंक से निकाला है। इस तरह कुल 18 बच्चे अभी वर्तमान में जेईई मेंस निकाल चुके हैं।